दोस्तों हम सभी जानते हैं कि चाइना एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब है, इसलिए चाइना की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को मैच कर पाना बहुत मुश्किल है और इसी वजह से चाइनीज गुड्स किसी भी लोकल इकोनॉमी में या लोकल मार्केट में जब उतारे जाते हैं तो उसकी वजह से वहां के जो लोकल कॉम्पिटिटर्स हैं, जो बाकी मैन्युफैक्चरर्स जैसे इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स जो अपने प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं वो उन प्रोडक्ट्स को मैच नहीं कर पाते, क्योंकि जो चाइना प्रोडक्ट्स हमें दे रहा है वो फेयर मार्केट वैल्यू से भी कम प्राइस पर देता है। इसके लिए कई तरीके के सेफगार्ड मेजर्स हैं जो कि WTO सजेस्ट करता है कि हम ये सेफगार्ड मेजर्स इन चाइनीज प्रोडक्ट्स या किसी भी कंट्री के प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट लगा सकते हैं। उसमें से एक होता है एंटी डंपिंग ड्यूटी। हमने ये लगातार देखा है कि इंडिया और भी कई सारी इकोनॉमीज चाइना के प्रोडक्ट्स को या तो बैन करती रही हैं या फिर चाइना के प्रोडक्ट्स पर कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ऐसी ड्यूटीज या सेफगार्ड मेजर्स लगाती रही हैं। ऐसे कई सारे सेफगार्ड मेजर्स होते हैं जो एक इकोनॉमी किसी भी किस फॉरेन प्रोडक्ट पर लगा सकती है जो कि उनके लोकल मैन्युफैक्चरर्स और लोकल मार्केट को डिस्टॉर्ट कर रहा हो। आज हम इस टॉपिक के बारे में कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करेंगे। दिस इज प्रखर त्रिपाठी एंड वेलकम टू चहल अकेडमी यूट्यूब चैनल। बिफोर गोइंग फर्दर इन आवर डिस्कशन, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिवाली के शुभ अवसर पर हम आपके लिए लाए हैं कुछ डिस्काउंट्स। अगर आपको ऑनलाइन लाइव फाउंडेशन बैच में इनरोल करना है तो उसमें भी काफी अच्छे डिस्काउंट्स हैं और साथ ही साथ जो रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैच है उसमें भी काफी डिस्काउंट्स आपको मिल रहे हैं। इस डिस्काउंट को अवेल करने के लिए आपको बस एक कोड यूज करना है विच इज दिवाली इन कैपिटल लेटर्स, और इसके अलावा बाकी की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस YouTube वीडियो के नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और बाकी की जानकारी भी आपको मिल सकती है। तो इंडिया ने चाइना के कुल 5 प्रोडक्ट्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है 5 सालों के लिए, मतलब लिमिटेड पीरियड के लिए, राइट। ग्लास मिरर, सेल फोन ट्रांसपेरेंट फिल्म एंड इस तरीके से कई सारे और 5 चाइनीज गुड्स है, जैसे सल्फर ब्लैक हो गया, सेल फोन ट्रांसपेरेंट फिल्म हो गई, थर्मोप्लास्टिक, पॉलीयूरेथीन हो गया, ठीक है। उसके अलावा अनफ्रेम्ड ग्लास मिरर, जो सिंपल ग्लास मिरर आता है विदाउट फ्रेम, उस पर भी, क्योंकि इनका इंपोर्ट लगातार बढ़ता जा रहा था और इनकी वैल्यू जो है इंडियन मार्केट में धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि गिरती जा रही है, क्योंकि हमारे यहाँ मिरर्स जो बनते थे वो बहुत महंगे आते थे, इसलिए चाइना ने इंडिया के मार्केट को कैप्चर कर लिया। आपने देखा होगा इससे पहले हम एल्यूमिनियम फॉइल पर भी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा चुके हैं, क्योंकि पहले एल्यूमिनियम फॉइल जो कि अब बहुत ज्यादा यूज होता है, वो एक लग्जरी गुड होता था, बहुत ज्यादा यूज नहीं होता था, बट चाइना ने ये देखा कि इंडिया के मार्केट में एल्यूमिनियम फॉइल का बहुत ज्यादा यूज है, बहुत ज्यादा डिमांड है, इसलिए चाइना ने सस्ता एल्यूमिनियम फॉइल हमारे देश में एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया बिलो फेयर मार्केट वैल्यू, मतलब चाइना के खुद के मार्केट में भी उसके प्राइसेस जो है वो हाई है, बट मार्केट को कैप्चर करने के लिए उन्होंने बिलो फेयर मार्केट वैल्यू इन प्रोडक्ट्स को इंडिया के मार्केट में डालना चालू कर दिया। जानते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी इज अ सेफगार्ड मेजर जो कोई भी कंट्री अपने लोकल मार्केट को और लोकल मैन्युफैक्चरर्स को बचाने के लिए और मार्केट में कॉम्पिटिशन बने रहने के लिए लगाती है। इट इज ऑल्सो नोन एज अ प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ। प्रोटेक्शन करना है, किसको बचाना है, अपने लोकल प्लेयर्स को, लोकल मार्केट को और लोकल मैन्युफैक्चरर्स को बचाना है। द ड्यूटी इज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन फॉरेन इंपोर्ट्स बिलीव टू बी प्राइस्ड बिलो फेयर मार्केट वैल्यू। उनकी जो वैल्यू है वो फेयर मार्केट वैल्यू से भी कम है, मतलब अपने खुद के डोमेस्टिक एरिया में, डोमेस्टिक मार्केट में भी वो और ज्यादा प्राइस पर बिक रहे हैं, बट जब वही कंट्री दूसरे देश में एक्सपोर्ट कर रही है तो मार्केट कैप्चर करने के इंटेंशन से उनको फेयर मार्केट वैल्यू से भी कम में बेच रही है। इससे क्या होता है, इससे अनफेयर कंपटीशन क्रिएट होता है, फॉरेन गुड्स को बहुत ज्यादा डिमांड मिलती है और जो हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, हमारा जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे के सारे, उनकी डिमांड धीरे 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 खत्म होती जाती है और इस तरीके से फॉरेन गुड्स अपनी मोनोपोली एस्टैब्लिश करते हैं किसी भी मार्केट में, राइट। व्हाट इज डंपिंग। डंपिंग एक टर्म है जिसको यूज किया जाता है इस तरीके से कि बहुत ज्यादा गुड्स दे दिए, ऐसा नहीं। डंपिंग का वर्ड का यूज इसलिए किया जाता है जब कोई भी प्रोडक्ट अपने होम मार्केट में जो उसकी प्राइस वैल्यू है, अपने होम मार्केट में जो उसकी वैल्यू है उससे भी कम मार्केट में किसी दूसरी कंट्री में भेजा जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड डंपिंग। दिस अकर्स व्हेन अ कंपनी एक्सपोर्ट्स अ प्रोडक्ट एट अ प्राइस सिग्निफिकेंटली लोअर देन द प्राइस इन इट्स होम मार्केट, राइट, ऑफन टू गेन मार्केट शेयर, मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए, एंड समटाइम्स टू इवन कैप्चर द मार्केट, मोनोपोलाइज द मार्केट, राइट। पर्पस क्या है, पर्पस यह है एंटी डंपिंग ड्यूटी का कि जो भी ट्रेड डिस्टॉर्शन डंपिंग की वजह से आ रहा है उसको खत्म किया जाए।
राइट right? उसके अलावा लोकल बिजनेसेस को प्रमोट किया जाए, लोकल बिजनेसेस को प्रोटेक्ट किया जाए और फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को इंश्योर किया जाए। इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है? द ड्यूटी इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल वैल्यू प्राइस इन द डोमेस्टिक मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट में जो भी प्राइस होगा, एंड द एक्सपोर्ट प्राइस। एक्सपोर्ट कम में कर रहा है, राइट right? एक्सपोर्ट कम में कर रहा है, डोमेस्टिक प्राइस, उन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस होगा उतनी ही ड्यूटी हम इंपोज करते हैं, राइट right? उससे ज्यादा इंपोज नहीं कर सकते। अच्छा, इसके लिए क्या इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है? यस, वी नीड टू इन्वेस्टिगेट फर्स्ट। और इन्वेस्टिगेशन में हमें क्या बताना पड़ेगा, क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई डंपिंग हो रही है, मतलब एक्सपोर्ट प्राइस को जानबूझकर इंटेंशनली कम किया गया है। और साथ ही साथ ये भी बताना पड़ेगा, ये भी प्रूफ करना पड़ेगा कि कितनी डंपिंग हो रही है, मतलब एक्सपोर्ट प्राइस कितना कम है। और साथ ही साथ हमें इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि इसका डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज पर क्या इंपैक्ट है। WTO का इसमें क्या रोल है? WTO ये कहता है कि कंट्रीज को एंटी डंपिंग ड्यूटीज कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस है जब इंपोज करना अलाउड है, अदरवाइज तो नहीं अलाउड है, क्योंकि हमें ट्रेड को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है, प्रमोट करना है। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या है? अगेंस्ट द ट्रेड है, बट कुछ कुछ कंडीशंस में एंटी डंपिंग ड्यूटी अलाउ की जाती है, जैसे कि लीगल फ्रेमवर्क। द लीगल फ्रेमवर्क फॉर एंटी डंपिंग ड्यूटीज वेरीज बाय कंट्री विद गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय नेशनल अथॉरिटीज। लाइक इंडिया में जो नेशनल अथॉरिटीज को रेगुलेट करती है, दैट इज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज इन इंडिया, राइट। उसके अलावा डोमेस्टिक इंडस्ट्री के प्रोटेक्शन के लिए, हमारी जो देसी इंडस्ट्री है, हमारे देश की जो इंडस्ट्री है उसको बचाने के लिए, लोकल उद्योग को बचाने के लिए हम करते हैं इम्पोजिशन ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी। साथ ही साथ कंज्यूमर प्राइसेस जो है, वाइल इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट लोकल बिजनेसेस, एंटी डंपिंग ड्यूटीज कैन लीड टू हायर प्राइसेस फॉर कंज्यूमर्स। एक बार मार्केट मोनोपोलाइज हो गया, उसके बाद उन्होंने प्राइसेस को बढ़ाना चालू कर दिया, तो कंज्यूमर प्राइसेस बढ़ सकते हैं एज डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स मे नॉट फेस द सेम कॉम्पिटिटिव प्रेशर। साथ ही साथ ट्रेड रिलेशंस को भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट करती है एंटी डंपिंग ड्यूटी, जैसे कि द यूज ऑफ एंटी डंपिंग मेजर्स कैन स्ट्रेन रिलेशंस बिटवीन कंट्रीज, इंडिया और चाइना के बीच में। जब भी इंडिया एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाता है या कुछ और भी सेफगार्ड मेजर लेता है, प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ्स लगाता है, तो चाइना लगातार ट्रेड वॉर की धमकी देता है, चाइना हमें ट्रेड वॉर की धमकी देता है, राइट। ये टसल उनका यूएस के साथ भी लगातार चला करता है बिकॉज ऑफ करेंसी, राइट। मार्केट डायनेमिक्स को किस तरीके से इंपैक्ट करता है ये देखिए, एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाने से इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन फॉर डोमेस्टिक फॉर्म्स इट विल डिक्लाइन एंड इट विल इंपैक्ट इनोवेशन एंड प्राइसिंग स्ट्रेटजीज एज वेल। हमारे देश में हमारी जो कंपनीज है, जो भी हमारी लोकल कंपनीज है, उनको ये फ्री हैंड मिल जाता है कि भाई अब तो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी हुई है, अब जितना चाहो प्राइस को बढ़ाओ, उनका इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन खत्म हो गया है। इसमें कंज्यूमर्स का नुकसान भी होता है। एंटी डंपिंग ड्यूटी जैसा ही एक प्रोटेक्शनिस्ट मेजर है काउंटर वेलिंग ड्यूटी, मतलब किसी चीज को हम काउंटर कर रहे हैं, राइट। कई बार ऐसा होता है जब एक कंट्री दूसरी कंट्री में किसी प्रोडक्ट को भेज रही है तो वो एक्सपोर्टर्स को कुछ सब्सिडीज दे देते हैं, जबरदस्ती सब्सिडीज, मतलब उनके मार्केट में वो चीज महंगी बिक रही है, बट एक्सपोर्ट जब हो रही है तो एक्सपोर्टर्स को सब्सिडी मिल जा रहा है। जब एक्सपोर्टर्स को सब्सिडी मिलता है टू प्रमोट एक्सपोर्ट, तो दूसरे देश में जब वो प्रोडक्ट जाता है तो ये देखा जाता है कि सब्सिडी की वजह से वो सस्ता हो गया। ऐसे में जिस कंट्री ने एक्सपोर्ट किया है और जिस कंट्री ने इंपोर्ट किया है, जो इंपोर्ट वाली कंट्री है वो सब्सिडी जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट सस्ता हो रहा है उसके इंपैक्ट को काउंटर करने के लिए काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाती है, जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है, इट्स अ टैरिफ इंपोज्ड बाय अ गवर्नमेंट ऑन इंपोर्टेड गुड्स टू काउंटर एक्ट सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय द एक्सपोर्टिंग कंट्री। इज दैट क्लियर? दीज सब्सिडीज कैन लीड टू अनफेयर प्राइसिंग, allowing foreign products to enter the domestic market at artificially low prices. Characteristics में क्या आएगा? Purpose क्या है भाई? Purpose है to neutralize the effect of subsidies. जो subsidies आपको दी गई हैं with malafide intention कि इस market को capture कर लिया जाए या market में artificially market share create किया जाए, तो उस subsidies के share को हटा देती है countervailing duty. क्या इसके लिए investigation important है? Yes, इसके लिए भी investigation important है. CVDs require a formal investigation to determine if subsidies exist and whether they have caused material injury to the market or not. Right? Calculation kaise hoga? The amount of countervailing duty is based on the value of the subsidy received by the exporter. Exporter ko jo bhi subsidy di gayi hogi, uske barabar hi countervailing duty de di jayegi. Dono mein kya antar hai? Dono mein difference kya hai? Agar hum dekhe nature of action par, तो एंटी डंपिंग ड्यूटी इज इंपोज टू एड्रेस द सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स बिलो द नॉर्मल वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू। काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्यों इंपोज की जाती है? टू काउंटर एक्ट स्पेसिफिक गवर्नमेंट सब्सिडीज टू द एक्सपोर्टर। यहां पर फेयर मार्केट वैल्यू से कम में बिक रहा है प्रोडक्ट,
इसलिए लगाया गया। काउंटरवेलिंग ड्यूटी में किसलिए लगाया गया है? जिससे सब्सिडीज के इंपैक्ट को खत्म किया जा सके। फोकस किस चीज पर होता है? इसका फोकस होता है प्राइसिंग प्रैक्टिसेस पर, फेयर प्राइसिंग प्रैक्टिसेस। हमें फॉरेन कंपनीज को सिखाना है कि आप अगर हमारे मार्केट में आ रहे हो तो किसके साथ आओ, फेयर मार्केट वैल्यू पर आओ, फेयर कॉम्पिटिशन करो। काउंटरवेलिंग ड्यूटी में हमें क्या बताना होता है कि गवर्नमेंट जो प्राइस को अफेक्ट करने की, प्राइस को इंपैक्ट करने की कोशिश कर रही है बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडीज टू द एक्सपोर्टर, उन सब्सिडीज को क्या कर दिया जाए, काउंटर एक्ट कर दिया जाए। क्या इंपोजिशन की कंडीशन है, किस कंडीशन में हम एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटरवेलिंग ड्यूटी का यूज करेंगे? यहां पर हमें डंपिंग का एविडेंस ढूंढना पड़ेगा, डंपिंग हो रही है, कितनी डंपिंग हो रही है और उसका कितना इंपैक्ट है हमारे मार्केट पर, राइट। काउंटरवेलिंग ड्यूटी हम कब देखेंगे? जब हमारी गवर्नमेंट को यह पता चलेगा कि भाई चाइना से जो गुड्स आए हैं उस पर तो चाइनीज गवर्नमेंट ने एक्सपोर्टर्स को क्या दे रखा है, सब्सिडीज, तो उसको काउंटर एक्ट करने के लिए हम लगाते हैं काउंटरवेलिंग ड्यूटीज, राइट। दोनों ही जो ड्यूटीज है दे आर रेगुलेटेड अंडर इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स इंक्लूडिंग दोज सेट बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, इनको कंट्रोल करता है, बट दे फॉल अंडर डिफरेंट प्रोविजंस कंसर्निंग द रेमेडीज। इससे रिलेटेड एक प्रिलिम्स का क्वेश्चन भी मैंने यहां पर डाला हुआ है आपके लिए, दैट विल हेल्प यू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एंटी डंपिंग ड्यूटीज आर करेक्ट, एंटी डंपिंग ड्यूटीज से रिलेटेड कौन सा कथन सत्य है, राइट। पहला, ये ड्यूटी जो है इज इम्पोज टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन गुड्स सोल्ड बिलो फेयर मार्केट वैल्यू, बिल्कुल सही है, डिस्कशन से पता चलता है। दूसरा, WTO अलाउज कंट्रीज टू इम्पोज एंटी डंपिंग ड्यूटीज विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन, गलत हो जाता है, राइट। उसके अलावा द अमाउंट ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट प्राइस एंड फेयर मार्केट वैल्यू और द नॉर्मल वैल्यू, बिल्कुल सही है। इसका मतलब हमारा ABCD 1 and 3 ओनली, मतलब बी पार्ट सही होगा। सो दिस वॉज आर डिस्कशन रिगार्डिंग दीज ड्यूटीज, सेफगार्ड मेजर्स एंड प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ। ये टैरिफ्स या फिर ये आपकी जो सेफगार्ड ड्यूटीज है, सेफगार्ड मेजर्स है, वो इसलिए लगाए जाते हैं जिससे कि किसी भी लोकल इकोनॉमी में जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका नुकसान ना हो। ये हमारे UPSC प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोज डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कीप ट्यून टू द चैनल। थैंक यू।